सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। सभी दोस्तों को YouTube पर वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो है, इसमें हम फुजेरा में एक ग्रैंड मस्जिद है, आज हम उसको फिल्म करने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम फुजेरा में कुछ आउटिंग भी करेंगे, क्योंकि जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है। आज रात भर भी काफ़ी आंधी और तूफान की कैफियत रही। दुबई में उस तरह से बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम फिर भी काफ़ी अबर लोड है। ऐसा लगता है कि फुजेरा में हमें बारिश देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और निकलते हैं फुजेरा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि सुभानल्लज़ी सहरना हाज़ा वमा कुना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इस वक्त हम अमारात रोड, जिसको 611 भी कहते हैं, उस पर अपने सफर को जारी रखे हैं। थोड़ी देर बाद हम मलिहा रोड पर एग्जिट लेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम फुजेरा मस्जिद में असर की नमाज से पहले पहुंचे, क्योंकि हमें उसको फिल्म करना है, उसके लिए भी वक्त दरकार है। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद असर की नमाज जो है वहीं फुजेरा की मस्जिद में अदा करेंगे। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं, शेयर करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ वो अपना ये प्यार और मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रखेंगे। फुजेरा जाते हुए रास्ता में मलिहा के करीब आप रिफ्रेशमेंट के लिए मेन रोड के करीब बनी मार्केट को विज़िट कर सकते हैं, जहां चाय से लेकर खाने पीने की हर चीज़ दस्तियाब है। सड़क के दोनों जानिब पहाड़ों का नज़ारा सफ़र को दिलकश बना देता है। क्योंकि ये पहाड़ हरे भरे तो नहीं है, फिर भी कहीं कहीं फार्म्स की शक्ल में हरियाली देखने को मिल जाती है। इन फार्म्स में भेड़ बकरियों की परवरिश की जाती है।
फुजेरा शहर में दाखिल होने से पहले ही शहर की इमारतें दूर से नज़ारा पेश करती हैं। शहर में दाखिल होने वाली सड़क के दोनों जानेब दरख्तों की कतार है और सड़क को भी पिछले 3 साल में हमवार कर दिया गया है। असर की नमाज जो है वो हम अदा कर चुके हैं। चूंकि आज संडे था जिसकी वजह से लोकल अथॉरिटी मौजूद नहीं थी और हम मस्जिद को फिल्म करने की परमिशन नहीं ले पाए, अलबत्ता हमने उसके लिए रिक्वेस्ट कर दिया है और जैसे ही हमें परमिशन मिल जाएगी हम फिर से आएंगे और आप लोगों के लिए इस मस्जिद को इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट करेंगे।